हमने देखा आरिस रऊफ़ ने ट्वीट किया, फिर शाहिन शाह आफरीदी ने ट्वीट किया। जब एक वक्त पे जब नजम सिटी साहब आए थे तो ये चल रही थी बात कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाएगा, तो इस तरह के हैशटैग भी तो चले हैं। देखिए हैशटैग चलेंगे और ज़ाहिर बात है हारते रहेंगे तो आप ये फ्लॉज निकलते रहेंगे, चीज़ें निकलती रहेंगी, जीतेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और जीतने के लिए फिर 24 करोड़ की आवाम भी बैठी हुई है, हर इंसान के पास हर प्लेयर के स्टैट्स पड़े हुए हैं कि कौन किस तरह से डिसीजन ले रहा है, कौन किस तरह से बैटिंग कर रहा है, कौन किस तरह से बॉलिंग कर रहा है। अगेन हमें एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, कंट्री के लिए। जैसे अफगानिस्तान ने आज इंप्रूवमेंट की है वो नजर आ गई, आपने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया आज मैच में, राउंड के मैच में। उसके बाद फिर श्रीलंका को देखें तो वो फाइट बैक करके वापस आ रही है, 300 रन कर रहे हैं। अगेन डिसीजन लेने पड़ते हैं। और कैप्टन दुनिया में अगर बड़े बड़े आए, विराट कोहली भी अंडर रोहित शर्मा के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी आए वो भी कैप्टन रहे, उसके बाद वो भी खेलते रहे, सचिन तेंदुलकर थे, टॉप बैट्समैन वर्ल्ड क्लास के रहे। और बहुत से ऐसी लिस्टें पड़ी हुई हैं वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, कि कैप्टन जो है वो खुद अगर नहीं खेलना चाहते, वो नई कैप्टनसी हो रही तो वो अपना एज ए बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट करते हैं।